for a second, I'm recording. We will study that how refraction is done through glass prism. We will see that how refraction is done through a glass prism. एक ग्लास प्रिज्म से किस तरीके से रिफ्रैक्शन करवाया जाता है ये अपना एम रहेगा. तो देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज सर आइज़क न्यूटन. एंड आइज़क न्यूटन ने हमें एक दिन एक बहुत बड़ी बात बताई. उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं. सर आइज़क न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी थी जिसको बोला जाता है न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी. एंड उस कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार लाइट को पार्टिकल माना गया. क्या माना गया? पार्टिकल माना गया. उन्होंने बोला लाइट जो है वो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह. लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह. बेटा हर्षिता बिल्कुल सही है. क्योर ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई विल एक्सप्लेन इट इन द लास्ट. ठीक है, आपका डाउट मैंने देख लिया. आई विल एक्सप्लेन इट इन द लास्ट. So, उन्होंने बोला छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रेवल करती है. व्हाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं. वो इसको ऑब्जर्व करना चाहते थे बहुत अच्छे से. तो उन्होंने क्या किया, न्यूटन ने एक प्रिज्म उठाया. नाउ व्हाट इज अ प्रिज्म? प्रिज्म होता क्या है? तो देखिए, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म उन्होंने उठाया. किस तरीके का दिखता है उसको अपन बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं. ठीक है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे किस तरीके से एक प्रिज्म हमारे पास निकल के आता है. लेट अस सी क्या बात है. कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रिज्म आ रहा है. देखो क्या शानदार डायग्राम बन रहा है. कितने बच्चों ने ऐसा प्रिज्म लैब में या कहीं पे भी देखा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन दीज टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स? ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपने देखा जरूर होगा. ठीक है, ये कांच का बना होता है, ग्लास का होता है. बेटा किसका होता है? ग्लास का. अब लाइट जब एयर से ग्लास में आएगी, मैंने पिछले चैप्टर में आपको एक बात कही थी. मैंने पिछले चैप्टर में आपको एक बात कही थी कि लाइट जब एयर से ग्लास में आएगी तो ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हाट विल हैपन. स्पीड ऑफ लाइट में चेंज के कारण लाइट अपने पाथ से डिविएट कर जाती है. यहां पर भी यही होगा. जब लाइट इस प्रिज्म को एंटर करेगी तो लाइट विल डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ. ठीक है, किस तरीके से डिविएट करती है उसके बारे में बात करते हैं. तो आइज़क न्यूटन ने, सर आइज़क न्यूटन, व्हाट ही डिड, उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म उठाया. अब मैं सिर्फ ग्लास प्रिज्म का ना एक पोर्शन आपको दिखाऊंगा, सिर्फ फ्रंट से आपको दिखा रहा हूं. पूरा ग्लास प्रिज्म बार बार थोड़े ना बनाएंगे. ठीक है, तो सिर्फ फ्रंट से मैंने आपको ग्लास प्रिज्म ऐसे बना के दिखा. इन्होंने क्या किया, एक तरफ से तो भेजी व्हाइट लाइट लाइक दिस. ये इन्होंने व्हाइट लाइट भेजी. ठीक है, इंसिडेंट करवाया इसके एक फेस पे. ठीक है, मान लो ये इस तरफ वाले फेस पे इन्होंने लाइट को इंसिडेंट करवाया. जब लाइट को एक तरफ से इंसिडेंट करवाते हैं, इन्होंने क्या देखा कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम एंटर करेगी तो देयर विल बी सम बेंडिंग बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट. हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा एयर में रहती है. ठीक है, वैक्यूम में या एयर में रहती है. और जैसे ही दूसरे दूसरे मीडियम को एंटर करती है तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होने लग जाती है. इसकी बात अपन पहले भी कर चुके हैं, आज फिर कर रहे हैं. ठीक है, तो अपन क्या लेते हैं, ये लोग यहां पर सरफेस के परपेंडिकुलर पहले तो एक नॉर्मल बनाते हैं. ये बनाया सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल. ठीक है, चलिए, लाइट इज कमिंग फ्रॉम एयर, इट इज एंटरिंग ए ग्लास मीडियम, सो इट विल बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. ये जिस पाथ पे जाना चाहती थी ये उस पाथ पे नहीं रहेगी, उस पाथ से थोड़ा बेंड हो जाएगी. तो ये लो बेंड करवा दो, ऐसे बेंड करवा दिया. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से हम इसको बेंड कर रहे हैं. ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा. यस सर, बेंडिंग करवा दी जा रही है इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, अपन ने बेंडिंग करवा दी. लाइट रे व्हेन इट कम्स फ्रॉम वन मीडियम, इफ व्हेन इट कम्स फ्रॉम एयर इट एंटर्स द ग्लास. लाइट रे व्हेन इट कम्स फ्रॉम वन मीडियम, ग्लास को जब ये एंटर करती है तो ये बेंड होती है. जब बेंड होती है तो डिफरेंट कलर्स इन द व्हाइट लाइट, जब ये बेंड होती है तो डिफरेंट कलर्स इन द व्हाइट लाइट They get split. White light में कितने कलर? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ. White light में there are 7 different colors with pure. White light में there are 7 different colors which are pure. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red.
तो जो रेड कलर है वो सबसे कम डिविएट होता है, लेकिन जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डिविएट हो जाता है। ये फिनोमिना सर आइजक न्यूटन ने प्रिज्म के थ्रू ऑब्जर्व किया जब उन्होंने व्हाइट लाइट इस पे इंसिडेंट करवाई, और उन्होंने देखा कि भाई दूसरा जो सरफेस है वहां से जो इमर्जिंग लाइट है वो अब 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो चुकी है। वो अब 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो चुकी है, स्प्लिट हो चुकी है। And this experiment was known as the splitting of white light. ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया? Splitting of white light नाम दिया गया. Sir, 80. क्या नाम दिया गया? Splitting of white light observed by Sir Isaac Newton. समझ में आ रही बात? बेटा बहुत आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट जाना कैसे चाहती थी? तो ये लो डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, ये ऐसे लाइट जाना चाहती थी सीधा। क्या लाइट ऐसे ही गई क्या? नहीं, लाइट अंदर जाती क्या कर गई, बेंड कर गई। ये लाइट जा रही है और बेंड हो गई, फिर दूसरे सरफेस से बाहर निकलते समय फिर से बेंड हो गई। क्योंकि हम जानते हैं ना, जब लाइट एक मीडियम को चेंज करेगी, हम जानते हैं लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी, लाइट जब मीडियम चेंज करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आने के कारण वहां पर बेंडिंग देखी जाती है, और उसी को तो हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो बेटा टॉपिक का नाम ही है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, फील आ रही होगी आपको कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे थे रिफ्रैक्शन होगा, हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? तो आपका आंसर होगा 2 बार हो रहा है सर। कितनी बार हो रहा है? 2 टाइम्स। व्हाई 2 टाइम्स? क्योंकि एक बार तो एंटरिंग के, जब ये एयर से ग्लास में जाती है, जब ये लाइट एयर से ग्लास में जाती है, ये लोग ग्लास है ना, ये ग्लास प्रिज्म, और दूसरी बार ग्लास से वापस बाहर आते समय एयर में। So you can see that the light ray when it enters from air to glass it bends, and when it goes from glass to air then it again bends. So 2 different surfaces are carrying out 2 different refractions, and the white light is getting split into 7 different colors. Splitting of white light into 7 different colors, isi process ko kaha jata hai beta dispersion. Kya kaha jata hai? Dispersion kaha jata hai. Kya kaha jata hai? Dispersion of white light. हमसे कोई पूछे what do you mean by dispersion, आपका आंसर होगा सर आप white light की splitting करा दो, आप white light की splitting करा दो। अगर splitting करा के आपने 7 different colors में, 7 अलग अलग रंगों में इसको बदल दिया, so that will be known as dispersion of white light, first observed by Sir Isaac Newton. बताइए बेटा सबको ये बात clear हुई कि नहीं, hand raise करके बताओ फटाफट। सभी बच्चे हैंड रेज कर दो, सुबह सुबह सो रहे हो क्या सारे? फटाफट, 80 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास एंड ओनली 50 हैंड्स, 51। चलिए, तो यहां तक अपन को बात समझ में आई कि किस तरीके से व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, आपको पता होना चाहिए स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। नेचुरली ये चीज कहां देखी जाती है, कौन बता सकता है? हु कैन गिव द आंसर? दैट्स अ नेचुरली वी कैन सी द डिस्पर्शन, हम डिस्पर्शन को नेचुरली देख सकते हैं, लेकिन कहां देख सकते हैं, कहां देखेंगे, कौन बताएगा? बिल्कुल सही है, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया। बहुत सही, बहुत बढ़िया। चैट सेक्शन में आंसर ही आने चाहिए, उसके अलावा कुछ और आएगा ना मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा सबको। सिर्फ आंसर्स और पढ़ाई की बातें, अगर किसी ने चैट सेक्शन में कुछ और भी करने की कोशिश की तो रिमूव कर दिए जाओगे क्लास से। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है, बिल्कुल परफेक्ट, नो देयर इज नो डाउट इन इट। बहुत समझदार बच्चे हो आप लोग। रेनबो में हमने ये चीज देखी है, रेनबो कब दिखता है? जब बारिश होती है, या हम बोलें जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, या जब हम बोलें हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हमें वॉटर वेपर्स या फिर मॉइस्चर देखने को मिलता है, तो ड्यू टू दैट मॉइस्चर व्हाइट लाइट गेट्स स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स एंड नेचुरल डिस्पर्शन ऑफ लाइट, उसी के एग्जांपल को हम क्या कहते हैं, रेनबो कहते हैं। बिल्कुल सही है। सो इफ somebody asks us, अगर कोई हमसे पूछे कि सर ये रेनबो क्या है,
आप बोलोगे सर रेनबो तो नेचुरल डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, किसके द्वारा देखी गई? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट के द्वारा देखी गई, ठीक है। चलिए, आइजक न्यूटन यहां रुके नहीं, इसीलिए तो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं ना। बड़े बड़े साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो एक जगह पर रुकते नहीं है। अब उनको पता चल गया डिस्पर्शन हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है। अब उनको थोड़ी अंदर से आग रहती है, वो क्या कहते हैं कि अरे डिस्पर्शन हो गया, चलो ठीक है, एक और प्रिज्म लगाते हैं इसके आगे। उन्होंने क्या देखा कि डिस्पर्शन हो गया, चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने देखा, आपने प्रिज्म लगाओ, व्हाइट लाइट को भेजो, 7 रंग निकालो, डिस्पर्शन है, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि क्या सामने मैं एक और प्रिज्म अगर रख दूं तो क्या वो प्रिज्म फिर से 7 रंगों में कलर्स को डिवाइड कर देगा क्या? क्या फर्दर डिविजन ऑफ कलर्स पॉसिबल है क्या? ये चीज सोचने की कोशिश की उन्होंने, ये सोचने की कोशिश की कि अगर मैंने एक बार प्रिज्म लगाया, 7 रंग आ गए, क्या मैं एक और बार प्रिज्म लगाऊंगा तो क्या ये 7 और 7 रंगों में स्प्लिट हो सकते हैं क्या? तो बेटा इन्होंने क्या किया, एक बार प्रिज्म लिया, ये लो ऐसे, ये ले लिया प्रिज्म, इस प्रिज्म पे भेजी लाइट, ये लो लाइट, ये लाइट गई आगे और ये लाइट हो गई स्प्लिट। ये लाइट हो गई इस तरीके से स्प्लिट। इस स्प्लिट हुई भी व्हाइट, स्प्लिट हुई भी लाइट के आगे इन्होंने फिर से एक प्रिज्म को रख दिया। स्प्लिट हुई भी लाइट के आगे इन्होंने फिर से एक प्रिज्म को रख दिया और सोचा कि क्या यहां पर फिर से स्प्लिटिंग होगी क्या? फिर से रख दिया और इन्होंने देखा कि आगे कुछ भी नहीं होता। क्या हो बेटा? ठीक है, क्या इन्होंने सीधा प्रिज्म रखा, क्या दोबारा स्प्लिटिंग होगी क्या? तो नो स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है, देयर विल बी नो स्प्लिटिंग, ठीक है, नो स्प्लिटिंग विल बी ऑब्जर्व, कोई भी स्प्लिटिंग यहां पर ऑब्जर्व नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि यार व्हाइट लाइट आई, 7 रंगों में स्प्लिट हुई, अब वो 7 रंगों में स्प्लिट हो चुकी है, अब वो फर्दर स्प्लिटिंग अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, यहां तो हमने सीधा प्रिज्म लगाया था, एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा के देखते हैं, ठीक है, स्प्लिटिंग के बाद एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा के देखते हैं। जैसे अभी तो एक सीधा प्रिज्म लगाया और देखा, लेकिन अगर स्प्लिटिंग के बाद इन्वर्टेड प्रिज्म लगाएंगे तो क्या होगा? तो ये लो वापस से एक डायग्राम और समझेंगे। ये भेजी व्हाइट लाइट, ये व्हाइट लाइट गई अंदर, ये गई अंदर ऐसे और ऐसे, ये व्हाइट लाइट हो गई स्प्लिट, कितने रंगों में? 7 रंगों में, कितने रंगों में? 7 रंगों में, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, आगे एक और प्रिज्म लगा दिया, जस्ट उल्टा, आगे इन्होंने एक इन्वर्टेड पोजीशन में एक प्रिज्म लगा दिया लाइक दिस। अब होना क्या चाहिए कि यार इन्वर्टेड प्रिज्म लगाने का कारण है यहां पर, ध्यान से समझना, फिर इसके बारे में तुम्हें एक एग्जाम्पल बताऊंगा, एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा और फिर ग्लास स्लैब को भी पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि जैसे ही मैं एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा देता हूं, एक प्रिज्म सीधा एक उल्टा, जैसे ही उल्टा लगाया सामने, तो हुआ क्या, व्हाइट लाइट जो स्प्लिट हो चुकी थी, वो स्प्लिट हुई भी व्हाइट लाइट ये दूसरे प्रिज्म को एंटर करती है, और जैसे ही दूसरे प्रिज्म को एंटर करती है ना बेटा, ये वापस से रिकम्बाइन होके बाहर निकल जाती है। मजेदार बात, इसका मतलब व्हाइट लाइट आई, पहले इस प्रिज्म ने उसे स्प्लिट किया, ठीक है, उसमें से एक रेड कलर मिला, एक वायलेट कलर मिला, ये रेड कलर और वायलेट कलर दूसरे इन्वर्टेड प्रिज्म के कारण अगेन कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होने के बाद हमें बाहर की डायरेक्शन में आती हुई कौन सी लाइट मिलती है? व्हाइट लाइट मिलती है। सो यू कैन सी, यू कैन क्लियरली सी दैट
व्हाइट लाइट को अगर मुझे वापस गेन करना है तो मैंने क्या किया, इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दिया। क्या लगा दिया? इन्वर्टेड प्रिज्म। अरे बताइए सभी हैंड रेज करके, क्या सबको बात क्लियर है कि नहीं? इसमें क्या मुश्किल है बेटा? ये तो बहुत आसान चैप्टर है। कितने बच्चे ऐसा मानते हैं कि सर ये आसान है चैप्टर? एक बार थम्स अप देना। जितने बच्चे ऐसा मानते हैं कि सर ये चैप्टर तो आसान है, पिछला चैप्टर मुश्किल था, इलेक्ट्रिसिटी तो सबसे मुश्किल है, फिर लाइट चैप्टर है, और फिर ये है। ओनली थ्योरी है बेटा, ओनली थ्योरी। एक आधा न्यूमेरिकल आएगा, डिफेक्ट्स ऑफ आई पे आएगा, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उसे। चैप्टर 13 हार्ड है बेटा, कोई चैप्टर हार्ड नहीं, चैप्टर 13 भी उतना ही आसान है। डिफेक्ट ऑफ आई के न्यूमेरिकल आते हैं आदिल? डाउट क्या है? डाउट बताओ कौशिक, अनम्यूट फैसिलिटी दे रहा हूं, अनम्यूट करके बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर लेंस में भी दो सरफेसेस से लाइट बेंड होती है, तो सर उसमें डिस्पर्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो लेंस में डिस्पर्शन होता है, बहुत कम होता है, और उस कम डिस्पर्शन को ना हम क्रोमेटिक एब्रेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रोमेटिक एब्रेशन। हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, लेकिन यही फिनोमेना रहता है, क्रोमेटिक एब्रेशन। उसमें भी होती है डिस्पर्शन। ये बताता है कि हर, हालांकि ये 10th क्लास की चीज नहीं है, लेकिन पूछ रहा तो बता रहा हूं। क्रोमेटिक एब्रेशन ये बोलता है कि हर कलर की अलग फोकल लेंथ होती है, हर कलर के लिए फोकल लेंथ अलग हो जाती है। बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच इज कमिंग। तो जब हर कलर की वेवलेंथ अलग है तो हर कलर की फोकल लेंथ अलग है। और कभी कभार क्या होता है, आप जितने भी लोग चश्मा लगाते होंगे आपने देखा होगा, कभी कभार धूप में या किसी सर्टेन एंगल पे जब लाइट आपके चश्मे पे आती है तो आपको कहीं ना कहीं कोने में रेनबो फॉर्म होने, ऐसे 7 कलर दिखने लगता है। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, जितने भी लोग चश्मा पहनते हैं कभी ना कभी आपने ऑब्जर्व किया हो। उसी को क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। लेंसेज जो है वो क्रोमेटिक एब्रेशन को शो करते हैं, वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट को शो नहीं करते। ठीक है, ओके सर, चलिए। लेंसेज दे शो क्रोमेटिक एब्रेशन, दे डोंट शो डिस्पर्शन, डिस्पर्शन नहीं शो करते, डिस्पर्शन को। और दूसरा एक और चीज पता है, ज्योमेट्री पे भी काफी फर्क पड़ता है। प्रिज्म की ज्योमेट्री ऐसी है जिस हिसाब से सर अभी जस्ट देखा है मिलके, रूलर से ट्यूबलाइट को देखने पे होता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो ये क्रोमेटिक एब्रेशन के फिनोमेना होते हैं, क्रोमेटिक एब्रेशन कहा जाता है। ठीक है, व्हेन वी सी लाइट विद द स्केल तब भी देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास जो ये पर्टिकुलर फिनोमेना है ना डिस्पर्शन, ये ऑब्जेक्ट की शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है हमेशा कि ऑब्जेक्ट जो है, हर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट जो रिफ्रैक्शन कर रहा है वहां पर आपको रेनबो देखने को मिले, डिस्पर्शन देखने को मिले। ऑब्जेक्ट के शेप पे भी डिपेंड करता है, प्रिज्म कर रहा है, ग्लास स्लैब नहीं करता। आप लोगों ने अगर ग्लास स्लैब को कभी देखा हो तो ग्लास स्लैब कैसा दिखता है ना, उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से समझना कि ग्लास स्लैब कैसा दिखता है, आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये ऐसे ये ऐसे ग्लास स्लैब, कांच का एक स्लैब होता है। ठीक है, ये इस पे जब व्हाइट लाइट को भेजा जाता है तो ये स्प्लिटिंग नहीं करता। ठीक है, ठीक है, इस पे जब व्हाइट लाइट को भेजा जाता है तो ये स्प्लिटिंग नहीं करता। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ज्योमेट्री, बिकॉज ऑफ इट्स शेप। हम पढ़ेंगे आगे ग्लास स्लैब क्यों स्प्लिटिंग नहीं करता, उसकी बात करेंगे आगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्शन जरूर करेगा, लेकिन हर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट
क्या डिस्पर्शन शो करेगा? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन इट्स ज्योमेट्री, इट डिपेंड्स ऑन इट्स शेप, इट डिपेंड्स ऑन इट्स साइज, ठीक है? चलिए, सो आई एम सेंडिंग द अटेंडेंस लिंक राइट नाउ, दोज हु आर प्रेजेंट इन द क्लास फिल आउट द अटेंडेंस लिंक, फिल आउट द अटेंडेंस लिंक, अटेंडेंस लिंक को फिल कर दो बेटा, अटेंडेंस लिंक को फिल कर दो। अब देखो नेचुरली अकरिंग डिस्पर्जन को हम क्या कहते हैं, तो आप सभी लोग बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, सभी बच्चे बच्चे जानते हैं कि नेचुरली अकरिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट को रेनबो कहा जाता है। तो रेनबो क्या फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है? तो मैं लिखता हूं नेचुरली अकरिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट, नेचुरली अकरिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है, कैसे करा जाएगा? तो ये लो एक वाटर ड्रॉपलेट बनाई मैंने, क्या बनाई? वाटर ड्रॉपलेट। इस वाटर ड्रॉपलेट पे हम भेजते हैं अपनी व्हाइट लाइट, ये भेजी अपन ने व्हाइट लाइट। अब व्हाइट लाइट जैसे ही इस पे भेजूंगा तो अंदर जाते ही व्हाइट लाइट गेट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, द व्हाइट लाइट गेट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स एंड अपॉन रीचिंग द अदर सरफेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक, अपॉन रीचिंग द अदर सरफेस इट गेट्स reflected back like this and on the second surface it gets refracted and हमें rainbow देखने को मिलता है कुछ इस तरीके। So naturally occurring जो dispersion of light है that is due to the moisture content which is present, due to the moisture content which is present in the atmosphere, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके कारण यहां पर जो है हमें रेनबो फॉर्म होता हुआ दिखता है। और ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है अक्षत, ये ऑपोजिट फॉर्म होता है, क्यों? क्योंकि अगले सरफेस पे जब रिफ्लेक्ट होगा तो लाइट जो ऊपर थी वो नीचे हो जाएगी और नीचे थी जो ऊपर हो जाएगी, ठीक है, ये चीज कोई दिक्कत वाली बात इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। दूसरी मैं एक बात और कर सकता हूं कि ऐसे नहीं एक और तरीके से रेनबो फॉर्म होता है, ऐसे नहीं एक और तरीके से रेनबो फॉर्म होता है उसकी भी बात करते हैं। दिस इज नोन एज प्राइमरी रेनबो एंड एक और तरीके से रेनबो फॉर्म होता है। ये रही वाटर ड्रॉपलेट, हमने भेजी यहां से व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट भेजते ही इट गेट्स स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है, इट स्ट्राइक्स द सरफेसेस, इट स्ट्राइक्स द सरफेसेस लाइक दिस and from the other surface it again gets refracted and from this they come out. तो इस तरीके से भी रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरीके से भी आप अगर रिफ्रेशर्स वगैरह देखोगे तो यू विल फाइंड दिस डायग्राम, इस तरीके से भी रिफ्रैक्शन से हमारा रेनबो फॉर्म होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। सो देर आर टू डिफरेंट वेज इन विच अ रेनबो कैन रेनबो इज फॉर्म, ठीक है, देर आर टू डिफरेंट वेज इन विच रेनबो इज फॉर्म, तो वो दोनों वेज आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी को कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फटाफट एंड्रेस से बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये दोनों डायग्राम एक ही पेज पर दिखा रहा हूं। एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही है, एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही है, लेकिन हम दोनों पढ़ रहे हैं। ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी में दोनों है, चलिए बहुत बढ़िया। अरे सभी लोग हैंड रेज करो यार, क्या कर रहे हो, पानी ग्रहण कर रहा हूं यहां पर। तो मैं तुम्हें जल ग्रहण करता हूं, इतने में तुम लोग तो हैंड रेज ही नहीं करते बेटा। निकिता डिस्कनेक्ट हो गए,
देखो मैं कह रहा हूँ कि दो तरीके से रेन को फॉर्म हो सकते हैं। जब हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट होता है, हवा में वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वो वाटर ड्रॉपलेट से लाइट, व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट जैसे उस वाटर ड्रॉपलेट को एंटर करती है तो इट गेट्स स्प्लिट इनटू दी सेवन डिफरेंट कलर्स, फ्रॉम द अदर सर्फेस इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक एंड हमें रेन को देखने को मिलता है। अब ऐसा कितने तरीके से हो सकता है? तो दो तरीके से हो सकता है, एक ऊपर दिखा दिया और एक नीचे दिखा दिया, एक ऊपर दिखा दिया एक नीचे दिखा दिया। बताइए बेटा फटाफट, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो? चलिए बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। अब देखिए आज की क्लास में हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट को बहुत अच्छे से देख लिया, कल की क्लास का हमारा जो टारगेट रहेगा इन द टुमारोज क्लास वी विल स्टडी अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले ठीक है, उससे पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट ग्लास प्रिज्म, उससे पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि ग्लास प्रिज्म क्या होता है, ग्लास प्रिज्म से किस तरीके से रिफ्रैक्शन करवाया जाता है। Wait for a second. So I'm writing down glass prism. देखिए अगर मैं ग्लास प्रिज्म को ड्रॉ करूं ना और टॉप मोस्ट सर्फेस से देखूं तो एक रेक्टेंगुलर सा ऐसे एक स्लैब दिखता है, ठीक है, ग्लास स्लैब लाइक दिस, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिखता है लाइक दिस। अगर मैं इसमें एक डायगोनल खींच दूं, अगर मैं इसमें एक डायगोनल खींच दूं ना, तो ऐसा लगता है कि ये ग्लास प्रिज्म है ना, दो प्रिज्म से मिलके बना है, ग्लास स्लैब जो है ये दो प्रिज्म से मिलके बना है, एक प्रिज्म ये रहा और एक प्रिज्म ये रहा, एक को सीधा रखा एक को इन्वर्टेड रखा। जब हम एक सरफेस से लाइट रे को भेजते हैं ना, तो लाइट रे बेंड होती है और दूसरे सरफेस से बाहर निकलते समय फिर से बेंड हो जाती है, दूसरे सरफेस से बाहर निकलते समय फिर से बेंड हो जाती है। हमसे सवाल पूछा जाता है कि सर यहां से जो लाइट रे आई वो तो स्प्लिट हुई नहीं सात डिफरेंट कलर्स में, डिस्पर्शन तो हुआ ही नहीं लाइट का। ऐसा इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो ग्लास प्रिज्म है ये दो प्रिज्म से मिल, सॉरी ग्लास स्लैब जो है ये दो प्रिज्म से मिलकर बना है, एक तो नॉर्मल रखा हुआ है और एक को इन्वर्टेड रखा हुआ है ऐसा लगता है। तो इसकी ज्योमेट्री के कारण लाइट जो है वो स्प्लिट भी होती है और दूसरा वाला इसको रिकम्बाइन कर देता है, रिकम्बाइन करके हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने जो लाइट आ रही है वापस वो व्हाइट ही आ रही है। दैट मींस ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ ग्लास स्लैब इट अपीयर्स दैट इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट ग्लास प्रिज्म, वन इज प्लेस्ड नॉर्मल एंड द अदर वन इज प्लेस्ड इनवर्टेड, इनवर्टेड एक को नॉर्मल रखा एक को इन्वर्ट कर दिया और फिर जोड़ दिया तो क्या मिल गया, ग्लास स्लैब। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है व्हाई डज द ग्लास स्लैब डज नॉट शो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा सर ग्लास स्लैब जो है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट को शो इसलिए नहीं करता, ग्लास स्लैब जो है वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट को शो इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारा ग्लास स्लैब दो प्रिज्म से मिलकर बना है, एक नॉर्मल रखा है एक इन्वर्टेड रखा है, दोनों को जोड़ दिया, जब दोनों को जोड़ दोगे तो आपके सामने डायग्राम में भी दिख रहा है दोनों को जोड़ दिया ऐसा लग रहा है कि जो व्हाइट लाइट आई वो स्प्लिट हुई नॉर्मल प्रिज्म के कारण, लेकिन जो इन्वर्टेड प्रिज्म है उसके कारण वापस से रिकम्बाइन हो जाती है एंड हमें व्हाइट लाइट फिर से मिल जाती है। दैट इज द रीजन द ग्लास स्लैब डज नॉट शो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, एक नॉर्मल प्रिज्म एक इन्वर्टेड प्रिज्म जोड़ दो आंसर आ जाएगा। बताइए सभी को ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यस और नो, रेज़ योर हैंड्स। अरे ओपी का मतलब क्या है, व्हाट इज ओपी मुझे भी समझा दो। ओवर पावर, अच्छा बहुत चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हर जगह देखो ओपी ओपी ओपी, क्या है ओपी, पढ़ाई करो। ये लो शुरू हो गए, पता था मुझे, पता था एक बार बोलूंगा सारे शुरू हो जाएंगे।
चलिए तो आज की कक्षा के को यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। बेटा ऑफलाइन क्लास का शेड्यूल आस्था यू विल गेट इन दी क्लास ग्रुप, ठीक है, यू क्लास ग्रुप के अंदर आ जाएगा। चलिए यस डाउट बताइए, देव अग्रवाल अनम्यूट करो, बताओ, वेट फॉर अ सेकंड, बताइए। यस देव, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड सर, मैं पूछा था कि जो अगर एक व्हाइट लाइट की बीम है और उसको सर प्रिज्म की जगह एक ग्लास स्फीयर से पास करवाएं तो सर उसका डिस्पर्शन होगा क्या? ग्लास स्फीयर का, ग्लास स्फीयर से पास करवाएं व्हाइट लाइट? यस सर, नहीं होगा सर। क्यों? डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करता है। तो सर जो व्हाइट लाइट है सर वो दूसरे मतलब दूसरे कोने से वापस बाहर आ जाएगी? ग्लास स्फीयर से जब करवाते हैं ना, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है, हमसे पूछा गया था कि यहाँ से बिजी लाइट व्हाइट लाइट, ठीक है, इट गोज लाइक दिस, जेई मेंस में ये सवाल पूछा था एक बार हमसे, ठीक है, यहाँ से देखिए ये लाइट ऐसे गई और ये लाइट फिर यहाँ से ऐसे वापस आई, ठीक है। चलिए ओके सर, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये नॉर्मल, ये यहाँ पर नॉर्मल, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री कैलकुलेट दिस एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.33, ये क्वेश्चन दे रखा था। यस सर, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा था। अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन एक ग्लास स्फीयर जो है, एक ग्लास स्फीयर जो है वो ग्लास स्फीयर शो नहीं करता किसको? डिस्पर्शन, और बाकी बुक्स के अंदर भी नहीं होता। Yes, अगर होगा सर, ऐसे ही डाउट आ गया था, अगर होगा तो मैं ढूंढ के बता दूंगा, अदरवाइज मैंने तो नहीं देखा। ये एक जेई का सवाल है, ये जो है ना, ये जेई मेंस के अंदर एक बार पूछा जा चुका है कि ये क्वेश्चन सेट है तो ये वाला बताओ कितना होगा, और आंसर इसका भी 60 डिग्री ही आता था। इसके अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट को अगर आप एक ग्लास स्फीयर से भेजेंगे तो वो कुछ इस तरीके से रिफ्रैक्ट होकर निकल जाएगी, ठीक है, वो डिस्पर्शन को शो नहीं करेगी। ओके थैंक यू सर। बट डायरेक्टली अगर आप एक इन्वर्टेड प्रिज्म में ही व्हाइट लाइट को भेजोगे तो स्प्लिटिंग तो दिखेगी ना। क्यों दिखेगी? क्योंकि यार आपका प्रिज्म चाहे इन्वर्टेड हो चाहे नॉर्मल, प्रिज्म तो प्रिज्म है। इन्वर्टेड का पता कब चलेगा? जब उसके साथ एक नॉर्मल प्रिज्म होगा। जब एक प्रिज्म ही उल्टा रख दिया, व्हाइट लाइट भेजी तो स्प्लिट तो करेगा ही ना। चलिए तो आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हमारी क्लास के अंदर अपन हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इन सबको दोबारा देखेंगे और इनके डिफेक्ट्स पे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट। अटेंडेंस लिंक आई होप सभी ने भर दिया होगा।